अच्छा, कल हमने बनाया था लोगो रियल एस्टेट का, उसी को हम यूज करेंगे अपने बिजनेस कार्ड में। यही कलर स्कीम और यही सारा लोगो यूज करेंगे बिजनेस कार्ड के अंदर। ठीक है, बिजनेस कार्ड लेते हैं, उधर लिख भी लेते हैं। जो आपने कैनवस लेना है, जो आपके बिजनेस कार्ड की हाइट हाइट और विड्थ है, जो डिमेंशन है वो होती है 3.5 इंचीज वाइड, इंचीज में रखी है। ठीक है, और हाइट होती है इसकी 2 इंचीज। ठीक है, अगर इसी तरह आप ये हॉरिजॉन्टल है तो लैंडस्केप डायरेक्शन है, अगर आपने पोर्ट्रेट रखनी है मीन्स वर्टिकल तो उसकी ये रिवर्स हो जाएगी, 2 इंचीज वाइड हो जाएगा और हाइट इसकी 3.5 हो जाएगी। मैं अभी 2 पेजेस रख रहा हूँ दोनों साइड के लिए। ठीक है, बाकी से सेटिंग इसकी हुई है, तो इसको लैंडस्केप भी लेते हैं, 2 पेजेस ले लिया तो ओके करें। तो ये आपके पास जो साइज मिलेगा ये आपके बिजनेस कार्ड का साइज होगा। ठीक है, छोटा भी हमने लोगो वही यूज करना। पहले स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले आपने मोस्टली कार्ड देखे होंगे और कि जो एक साइड है बैक साइड वो बिल्कुल आपको नजर आती है क्लीन होती है, अगर सिर्फ लोगो आप अटैच होता है, लोगो लगा हुआ, बाकी दूसरी साइड के ऊपर आपकी सारी डिटेल जो है वो मेंशन होती है। ठीक है, ये पहले इसकी जो हम बैक साइड है, बैक कर लें फ्रंट कर लें, बेसिकली वो बैक ही होती है, तो अगर कोई आपकी जो है डिटेल शो नहीं हो रही होती। ठीक है, तो पहले वो डिज़ाइन करें, वो बिल्कुल सिंपल होगी। आप यही वाला लें, वो इसका लोगो वाले कलर रख रहे हैं हमने, तो अपने लोगो को इधर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो आपके लोगो के अंदर ये आ रहा है ब्लैक कलर, तो इसलिए इधर ब्लैक तो नहीं आएगा, इसको वाइट ही रखते हैं, वाइट कलर। ठीक है, और इसके ऊपर ये है आपका लोगो। सेंटर में मोस्टली हम यूज करते हैं। ये सेंटर में, इसको सेंटर में रहने। ठीक है, तो ये इसकी हम एक साइड डिज़ाइन कर रहे हैं, जो वायर हमें इसको फ्रंट कर रहे हैं या बैक कर रहे हैं, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल, अगर आपने इस तरह प्लेन रखना। ठीक है, इसकी बाउंड्री जो है वो ख़त्म कर लें, तो मैं बाउंड्री बाद में ख़त्म करते हैं दिया। ठीक है, तो इसके बाद आपने कोई इसको स्टाइलिंग देनी है, जो आपका है बैक पेज, इसको स्टाइल देना है। तो आप इधर इसके नीचे ऐड कर सकते हैं, जो स्ट्रिप आपको नज़र आ रही होती है, या साइड के ऊपर कर सकते हैं। अभी हम सिंपल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इधर ऐड कर लेते हैं एक साइड पर, रेक्टेंगल ऐड कर लेते हैं। किस कलर की? अपने इस कलर की, जो लोगो का कलर है। ठीक है, इसका स्ट्रोक खत्म कर दें, इसको सेंटर में कर लें बिल्कुल। ये सेंटर में इसको मैं थोड़ा सा राउंड करता हूँ, इसकी ये वाली जो इस तरह चाहें तो इसी तरह रहने दें, या इसकी दो साइड जो है वो आप थोड़ी सी इधर से
हैं आप। लास्ट वाली ये देंगे आप थोड़ा सा कर लें, और इसी तरह ये वाला कर लें, राउंड कर रहा हूँ बेसिकली, इसकी दो साइड जो है वो हम राउंड कर लेते हैं। इसके बाद ये इसको भी इतना शोर कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे से हम करेंगे इसको, एक इधर रख लें आप, और इसकी साइड जो है वो रिवर्स कर दें, ये वाली राउंड कर दें और ये दोनों जीरो कर दें। ठीक है, इसको थोड़ा सा थोड़ा सा बाहर भी आ जाए तो इट्स ओके, क्योंकि जब हमने सेव करना है तो वो हमारा आर्ट आर्ट बोर्ड पे नहीं लेगा, बाउंड्रीज जो है बाउंड्री से जो बाहर होगा वो सेव नहीं करेगा। ठीक है, अभी इसको मैं जूम आउट करूँ तो ये कुछ इस तरह से इसकी एक साइड बन रही है, ठीक है, एक साइड। अब इसको चाहें तो कोई और भी, चलें फिलहाल ये सिंपल डिज़ाइन करें, इसके बाद जो है हम दूसरी साइड जो है कोई और स्टाइल अप्लाई करके ट्राई करेंगे, ठीक है। इसी को कर लें आप कॉपी सारे को, इधर रख लें, इसी को कॉपी करते हैं, ये काफी वाइड है इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, पहले इधर ही कर लेते हैं, इधर से भी आप कर सकते हैं, 50 कर दें इसको, ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, इसको भी 50 कर दें आप कर दिए। राउंड खत्म नहीं किया, इसको भी जीरो, ठीक है। अभी आप दूसरी साइड के ऊपर लोगो यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, डिटेल लोगो ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, या फिर दूसरी इसकी ऑप्शन क्या होती है आपके पास है कि आप जो है सिर्फ आइकन जो है वो यूज कर लें, यानी तो टेक्स्ट लिखा हुआ है आपका वो आप ना यूज़ करें, ठीक है। यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो नहीं कर सकते, या इधर आप अपना नेम जो है ऑनर नेम है वो आप लिख सकते हैं। अभी इसको हम साइड पे करते हैं, लोगो नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है, इसको इधर ही पड़ा रहने देते हैं, ज़रूरत हुई तो ये यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये लोगो इधर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है। ये दूसरी साइड हम डिजाइन कर रहे हैं, इधर क्या आ जाएगा आपका जो ओनर नेम है या कंपनी नेम है वो थोड़ा बोल्ड में आ जाएगा आपका, सपोज हम इधर यही लिखते हैं क्रिएटिव, तो टाइटल में लिख लेते हैं क्रिएटिव, अब नीचे इसके लिख लेते हैं डिजाइन, इसका थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर ये प्रेजेंटेबल हो गया, इसके कलर, ये कलर है, रेड कलर है, सेम कलर है,
इसका आप कलर वही रख लें जो आपके लोगों का, ब्लैक और ये ऊपर वाला, या यही टैक्स आप कॉपी कर सकते हैं। यही कॉपी कर लें। इधर लिख लें आप कंपनी का नेम, जो भी रखना चाहें आप, ये सारा ही होगा। और इधर अपना लिख लें क्रिएटिव डिजाइन, वही हमने यूज कर लिया जो ऊपर हमारे लोगों में यूज हो रहे थे। ठीक है, इसको दो लाइन में कर दें, एक में कर लें, अभी मैं टू में कर रहा हूँ। इसको सेंटर कर लें, इसके बाद आगे ये इसका नेम आ गया, ओनर का नेम आ जाए या कंपनी का नेम आ जाए, कुछ भी जो है आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, इसकी जो मेन चीजें चाहिए होती है वो एड्रेस चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद फोन नंबर चाहिए होती है या और ईमेल चाहिए होती है। ठीक है, वो हम देखते हैं। अगर सपोज करें फोन नंबर अभी सिंपल में इधर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, फोन नंबर है जिस तरह का पाकिस्तान का भी ऐड कर लेते हैं। तो ट्राई करते हैं कि जो हम फोन यूज कर रहे हैं ना वो विजिबल हो, आपकी जो ऑडियंस को आप जिसको शो करना चाह रहे हैं वो रीडेबल हो ज़्यादा। ठीक है, स्ट्रेट फोन यूज करें आप, तो कर्सी भी इस तरह का यूज ना करें। अभी हम इधर लिखते हैं कोई कंपनी का नंबर 1 2 3 4 5 6। छोटा कर लो, ठीक है। इसी तरह इसके नीचे आप कॉपी पेस्ट करें, इसके नीचे आप लिख लें ईमेल, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, एड्रेस, तीन चीजें हम यूज करेंगे। अगर ज्यादा डिटेल हो तो ज्यादा भी कर सकते हैं। इधर हम क्या यूज करेंगे, ईमेल लिख लेते हैं इधर कोई सी भी। ये साइज बड़े हैं, एक तो हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं अपनी राइटिंग का। ठीक है, सेवन कर लें इसको, भी सेवन कर लें। इधर हमने आइकन भी यूज करने इसलिए थोड़ी जगह छोड़ रहे हैं। ये आप इस तरह कर सकते हैं कि सेंटर से आ गए। ठीक है, यहाँ से अभी आपका आइकन भी आ जाए दूसरी साइड पे, आपका सिर्फ ये कवर हो जाए और हाफ और आपकी डिटेल आ जाए सही। ठीक है, इसी तरह और कौन सी होती है आपके पास, एड्रेस चाहिए होता है वो हम देखते हैं।
ठीक है, जरा सी लिखना चाहें आप। कोई सा भी डमी एड्रेस लिख लें। पहले हाउस आता कोई सा भी ड्रेस लिखना। तो ये हो गया आपकी, इसको थोड़ा सा जूम आउट करें, ये होगी आपकी मेन मेन चीजें जो कार्ड के ऊपर आपने शो करवानी है। ठीक है, ये सारी डिटेल आ गई आपकी, यही बेसिक चीजें चाहिए होती हैं वगैरह में, फोन नंबर, ईमेल और हाउस नंबर। तो ये आपने डिजाइन कर लिया, इसके बाद आप चाह रहे हैं कि इनके साथ कोई आइकन भी होने चाहिए, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइकन क्या है, सबसे पहले फोन का, तो ये क्विकली जो है मैं बना रहा हूँ, आप जो है इसको वेल डिजाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद फोन का बनाना आइकन, वो आप डिजाइन कर सकते हैं, बाइक से तो भी आप यूज नहीं करेंगे, तो आप जाएं इधर रेक्टेंगल में, ठीक है, इनको राउंड करें आप फुल राउंड। फुल राउंड आप डिजाइनिंग या दूसरे बोर्ड पे भी जाके कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इधर ही कर रहे हैं इसको। काफी बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है, इसको हाफ कर लें, इसको रेक्टेंगल के ऊपर रखें, हाफ कर लें या जहाँ भी आपने डिजाइन करना, तो मैं इसको हाफ कर लें। या ठीक है, और इसको यहाँ से कर दें आप ट्रिम कर दें यहाँ से। लोकेशन का आपने बनाना है, इन दोनों को सेट करें, इसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं खुद ही, थोड़ा सा अंदर बाहर भी हो, तो दोनों को आप कंबाइन कर लें, इसके कॉर्नर जो है बाहर है कॉर्नर बाहर है, आप इनको स्मूथ कर सकते हैं,
अगर पी करके यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। लोकेशन का एक अलग आपको लगे आपके पास इसके अंदर ये किस लिए यूज होता है कि आपका जो भी है टैक्स उसको आप किसी भी शेप, जिस तरह हम पढ़ते थे ना कि टैक्स को करना है लाइन आपने पाथ के ऊपर, ठीक है, कोई भी आपने उसको पाथ दिया होता था तो जो हमने शुरू में देखा था, कोई सा भी आपने पाथ दिया होता था वो सिलेक्ट करवा के टैक्स उसके ऊपर प्लेस करवा देते थे, ठीक है, तो वो टैक्स उसी पाथ के ऊपर आ जाता था, उसी शेप में आ जाता था, ठीक है। तो ये इनवेलप टूल भी इसी से मिलता जुलता है कि ये आपके जो टैक्स है उसको कर देता है उसी शेप में जो शेप आपने दी होती है, ठीक है, पाथ के ऊपर तो नहीं कह सकते, जो शेप आपने दी होती है ये उसी शेप में आपके टैक्स कर देता है, ठीक है। कैसे करता है ये आपके पास है इनवेलप टूल, अभी अगर मैं देखो, ठीक है, तो ये इनवेलप टूल ही मैंने लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर लेते हैं, इस तरह ये हमारे पास इनवेलप टूल लिखा हुआ है। तो ये अभी क्या होगा, मैं इधर जाता हूँ इफेक्ट में, ये हमारे पास आ रहा है इनवेलप, ठीक है, इफेक्ट इनवेलप टूल, कंट्रोल F7 भी कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ इनवेलप इधर कर दें, ठीक है, इनवेलप टूल जो है ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना बाई डिफॉल्ट शेप्स आ जाएंगी जिसने हमें दी हुई है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली अगर मैं करूँ क्लिक, ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट जो है इसी शेप के अंदर चला गया, ठीक है। इसको अगर आप पॉइंट्स को मूव करवाएं तो वो इसी शेप के अंदर रहेगा, आपका टेक्स्ट जो है इसी शेप में रहेगा। इसको आप जो इनके पॉइंट्स हैं जिस तरह हम पहले करते थे, जो इसके एंकर पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं, उनको मूव करवा सकते हैं, तो इसी तरह आपका टेक्स्ट भी जो है ना शेप होता जाएगा इन्हीं पॉइंट के साथ, ठीक है। जैसे भी आप इनको मूव करें वैसे ही आपका टेक्स्ट भी मूव करता जाएगा, ये शेप हमने सेलेक्ट की है उसी शेप के अंदर, ठीक है। मैं इसको वापस जा रहा हूँ और कोई और हम सेलेक्ट करते हैं, ये नेक्स्ट ये वाली सेलेक्ट अगर करूँ जो आपको नज़र आ रही है सर्कल इससे आगे, तो ये देखें आपका टेक्स्ट जो है इस शेप में चला गया, ठीक है। इसको अगर आप मूव करवाना चाहें पॉइंट से पकड़ के तो इसी में रहेगा शेप में, इसी शेप में रहेगा, मूव जो है वो सर्कल के अंदर ही करेगा, मतलब जो भी आपने शेप सेलेक्ट की है उसके अंदर ही मूव करता जाएगा, ठीक है। इसी तरह वापस जाते हैं, कोई और शेप सेलेक्ट करते हैं, ये वाली करें अगर, रेक्टेंगल ही है लेकिन इसकी जो एजेस है वो चेंज है, तो ये देखें आपका टेक्स्ट भी उधर ही लाइन हो गया जिधर इसकी लाइन है, ठीक है, आपने जो इधर से शेप सेलेक्ट की है। नेक्स्ट करें ये चला जाएगा, बाकी पॉइंट्स वही हैं, आप जैसे भी इनको मूव करवाना चाहें, तो इसके बाद आगे जाएं तो ये इसमें चला जाए शेप में, इनको मूव करवा लें, ठीक है, इसको बड़ा करना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये इनको मूव करवा सकते हैं जो लेफ्ट राइट पे हैं, उनको थोड़ा और ऊपर करना चाहें ऊपर कर लें, जिस तरह भी जिस तरह की आपने शेप सेलेक्ट की है
उसी के अंदर आपका टेक्स मूव हो जाएगा। नेक्स्ट करें, ये आपको जो नज़र आ रही है शेप बनी हुई, इस पे कॉर्नर अंदर की जाने ग्राउंड है, तो ये उधर चला जाए। ये वन बाई वन आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये जितनी भी शेप्स दी हुई हैं, ये ठीक है, इसी तरह आप इनको मूव करवा के जो है ना चेक कर सकते हैं वन बाई वन। अच्छा ये है, अच्छा तो ठीक है, ये है कि आपने इसको दिया खुद बाय डिफॉल्ट। अगर हम अपनी शेप ऐड करना चाहें, कोई अपना अपनी मर्जी से कोई शेप ऐड करना चाहें, ये तो इसमें दी हुई है ना बाय डिफॉल्ट लिमिटेड से, तो हम किसी शेप में करना चाह रहे हैं वो कैसे करें। इसी तरह एक और टेक्स्ट लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, इसको इधर रखते हैं, कोई शेप ले लेते हैं इधर से, पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन स्टैरिक ये तो पड़ी हुई है, तो हम चलो बैनर ले लेते हैं। बैनर कौन सा लेना है, ये वाला ले लें सिंपल, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं कि हम ये वाली हमारा टेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह नजर आए हमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये ऐड न्यू के ऊपर कर लें क्लिक एक बार, ऐड न्यू के ऊपर ना करें, ये आपको नीचे नजर आ रहा है अनकंस्ट्रेंड मोड, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोड, उसके बाद ये नज़र आ रहा है आर्क, ये तो बाद में देखते हैं। ये नीचे आए, अगर आप ये लिखा हुआ है आपके पास कीप लाइंस, क्रिएट इन वेलव फॉर्म, और ये कॉपी है, क्रिएट इन वेलव फॉर्म के ऊपर आए, क्रिएट इन वेलव फॉर्म के ऊपर आए, तो ये नीचे आप देखेंगे क्रिएट एन इन वेल्व दैट बेस्ड ऑन द शेप ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इधर से आप कर सकते हैं कि जो आपने शेप सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, पहले अपना सिलेक्ट करें टेक्स्ट, ठीक है, अभी यहाँ इधर से जो आपने शेप सेलेक्ट करवाई है उस फॉर्म में आपने इसको करना है कन्वर्ट अपने टेक्स्ट को, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें, तो ये आपको एरो सा नज़र आ जाएगा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक एरो नज़र आ रहा है, ये पाथ के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट यू सेलेक्टेड इज इनवैलिड, ओके, इसको आप एक बार कंट्रोल क्यू कर लें, ठीक है। अभी दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और अभी इसको क्रिएट करें, ठीक है, अभी करेंगे तो ये देखें आपका टेक्स्ट जो है इसी जिस तरह हम पाथ में करते थे, पाथ देते थे, तो उसी तरह ये पाथ के ऊपर चला गया, जो आपने इसको फॉर्म दी हुई है उसी शेप में चला गया, ठीक है। तो इसको आप करना चाहें वही, इसके पॉइंट्स उनको आगे पीछे करें, नोड्स को, तो ये उसी शेप में मूव होंगे जो आपने इसे दी हुई है, ठीक है। इस तरह कोई और शेप देख लें आप, ठीक है, इसको हम नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, एक और कॉपी कर लेते हैं, पहले ये वाला, ले ये वाला आपने सिलेक्ट करवाया, अभी कोई और शेप ले लें आप, सपोज आप कोई से भी शेप ले लें, इधर से नीचे आ जाए आप पॉलीगॉन वाली को ले लें, ठीक है, इस तरह की भी ले लें, इसके पॉइंट ज़्यादा करवा रहे हैं, सेवन रख लें, ठीक है, इसके अंदर आप करवाना चाह रहे हैं इसको मूव, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह ये आप जाएं क्रिएट न्यू में, पहले अपना ये सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद क्रिएट न्यू में जाएं और ये जो शेप जिसके ऊपर आपने करवाना है इसको, ठीक है, तो ये देखें उसी
आर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो गया जो आपने दी है। आपने पॉलीगॉन इसको दी थी, इसने खुद को एडजस्ट कर लिया पॉलीगॉन में। ठीक है, ये देखिए लिखा ऐसे ही है लेकिन आर्म शेप जो है वही बन गई है जो आपने दी है। ठीक है, सर आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं इसमें किया, कोई और खुद से आपने ड्रा की हो, कोई पेन टूल से आपने ड्रा की है शेप उसमें लेके जाना चाहें तो आप उसमें भी कर सकते हैं, लेट जा सकते हैं। ठीक है, ये था इसका क्विक ओवरव्यू। चले मैं अभी इसको ख़त्म कर रहा हूँ, ये नीचे वाली जो दी है इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, ये अभी आपके पास लिखा हुआ है इनवेल्प टूल, तो आगे अगर देखें आप जो कॉपी इनवेल्प लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कॉपी करें किसी और एक एक बार इसे फिर कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप सेम यही इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप बजाय के बार बार शेप वही ड्रा करें या पाथ वो सिलेक्ट करवाएं इसका इन्वेल्प करें तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। जो आपका एक बार बन गया इसकी स्टाइलिंग, इसको कॉपी कर लें और इसके ऊपर आके क्लिक कर दें। ये कॉपी हो गया, इसके ऊपर कर दें। इनवेल्प टूल का यूज है, ये कॉपी अभी नहीं कर रहा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अदर इनवेल्प। ठीक है, ये कॉपी करें इसके ऊपर। अच्छा, इसी तरह ये देखें आप कॉपी का है कि आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाले की प्रॉपर्टीज ऊपर वाले पे लेके जाना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं, सिंपली जाके आप क्लिक करेंगे तो वही कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा इसके ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ये हो जाएंगी आपकी ऊपर वाले की कॉपी। ठीक है, इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं अगर इधर इसकी कॉपी कर देंगे। दोबारा करते हैं कॉपी और इसके ऊपर आप जो पहले इसकी कॉपी बन गई थी ये नीचे वाले की। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। अभी ये आपने नीचे वाले के ऊपर अप्लाई करना ऊपर वाले का, तो क्या करेंगे ऊपर वाले को जाके आप एक बार क्लिक कर देंगे, पहले अपना टैक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपने इफेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, हमने ये वाला ऊपर वाला करना है, ये वाला करना है, ये अभी करना है तो ये अप्लाई हो गया। जो आपने पहले बनाया हुआ अपना इनवेल्प उसको कॉपी करना है किसी सिंपल के ऊपर किसी दूसरे के ऊपर, तो आप जो है अप्लाई करना है उसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे एक बार तो उसका इफेक्ट आ जाएगा आपके कॉपी। ये देखें कॉपी ऊपर वाला करना चाह रहे हैं ये कर दें, ये वाला करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था इनवेल्प टूल का यूज़। अपने जो सी भी शेप के अंदर अपने टेक्स्ट को करना है मूव करवाना है वो सिंपली आप शेप सेलेक्ट करें और इसको मूव करवा दें। ठीक है, इसी तरह ये दी हुई है स्ट्रेट लाइन में करना है या आर्क में करना है इसका, ये बेसिकली है इन चीज़ों का। ठीक है, अभी आपके पास एक इफेक्ट लगा हुआ है तो आप आर्क के ऊपर गए हैं तो अभी जो पॉइंट्स की आप मूवमेंट करवाएंगे वो आर्क की फॉर्म में ही होगी। ठीक है, वो कैसे होगी आर्क में, ये आपने सेलेक्ट करवाया है अब इसको कराना चाह रहे हैं आप। ठीक
अभी मैंने आर्क सेलेक्ट किया तो जो आपके पॉइंट्स के मूवमेंट होगी वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो भी जिस तरह आर्क्स बनती हैं, आर्क बनती है उसी तरह इनकी मूवमेंट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये अभी आप पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। इसी तरह दूसरे वाला सेलेक्ट करें, ये लास्ट वाला कर रहा हूँ, डबल आर, डबल आर पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से इनकी मूवमेंट होगी, डबल आर। ये थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है, वो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। इसी तरह अगर किसी शेप के ऊपर आप अप्लाई करना चाहें यही वाले इफेक्ट, आर्क वाले या सिंपल लाइन वाले, तो वो आप कैसे करेंगे। गैस के ऊपर आने के आप फिलहाल ये इसका यूज जो है वो टेक्स्ट के अंदर ही होता है, शेप का रहने दें, टेक्स्ट का ही रखें तो टेक्स्ट में इसको कैसे यूज करना है इनवॉल्व टूल को, ठीक है। तो जो भी आप इसको शेप देंगे सिलेक्ट करवा के तो आपका टेक्स्ट जो है उसी शेप के अंदर आप मूव करवा लें, उसको एक्सपेंड कर लें, उसको छोटा कर लें, जैसे भी आप करवाना चाहें। जिस तरह हम पाथ टूल देते थे टेक्स्ट में, ये उसी से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये था इनवेल्प टूल का यूज, ये टेक्स्ट में यूज होता है मोस्टली, तो टेक्स्ट में ही हम करेंगे, शेप का नहीं करेंगे। ये क्लियर है सबको?